दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्समन्नान यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं आप यह है Redmi 6A और दोस्तों मैं बता दूं ये मोबाइल जो है ये क्वालकॉम आईसी नहीं है, इसके अंदर में मीडिया टेक आईसी है, ठीक है। और इस मोबाइल का वीडियो मैंने पहले कुछ दिन पहले बनाया था और मैंने दिखाया था आपको कि Redmi 6A का पिन पैटर्न आप किस तरह से जो है यूएसबी डोंगल से या मेडिकल बॉक्स से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, एडीबी मोड में। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके मान के लिए आप मोबाइल जो है पिन पैटर्न रिमूव करते हैं उसके बाद अगर गूगल अकाउंट मांगता है तो गूगल अकाउंट को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस मोबाइल को यहाँ पे सेटअप करके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मोबाइल के अंदर में गूगल अकाउंट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है, ठीक है। और इस मोबाइल को रिमूव करने के लिए आपको इसका FRP बाईपास करने के लिए पहले आपको बैक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन पे जाना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको जो YouTube में आपको लिखा होता है www.youtube.com, ठीक है। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप करना है www.youtube.com, ठीक है, पूरा का पूरा लिंक आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद उस लिंक पर क्लिक करना है, एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे YouTube का जो है यहाँ पे से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बीच में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो है एग्री करने का ऑप्शन आएगा, एग्री पे क्लिक करेंगे जैसे, उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक टाइप करना है, ठीक है। और लिंक क्या टाइप करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ, लिंक आपको टाइप करना है vnroom.net, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा यहाँ पे जूम करके कि मैंने क्या टाइप किया है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, ठीक है, ये आपको टाइप करना होगा वहां पे, ठीक है, vnroom.net/bypass, ये टाइप करेंगे तो आपको यहाँ गूगल पे मिल जाएगा इसका लिंक। और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और सबसे पहले वाला फाइल, ऊपर वाला फाइल आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले, ठीक है, मोबाइल के अंदर में। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन कंप्लीट पूरा इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आपको ओपन करना नहीं है इसे, ठीक है, आपको इसे ओपन नहीं करना है, बैक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन ओपन आपको नहीं करना है, बैक जाना है। उसके बाद दूसरा वाला एप्लीकेशन आपको जो यहाँ पे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, गूगल अकाउंट मैनेजर, ये क्विक शॉर्टकट मेकर, ठीक है। तो क्विक शॉर्टकट मेकर को आपको डाउनलोड करना है, ये भी जैसे डाउनलोड होगा वैसे इंस्टॉल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर देना है। लेकिन इसमें आपको जो है यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो आपको जो यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है गूगल अकाउंट मैनेजर, ठीक है। तो गूगल लिखेंगे, स्पेस देकर के आप अकाउंट लिखेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गूगल अकाउंट मैनेजर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ईमेल टाइप एंड पास, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे ब्राउजर साइन इन पर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो आसानी से बाईपास हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी को डाल करके आप, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली आपको कोई भी ईमेल आईडी डालना है मोबाइल में, ईमेल आईडी डाल करके, उसके बाद जब ये ईमेल आईडी पासवर्ड ले लेगा उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है, सिंपल सी बात है। मोबाइल को जब रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद जब उसका सेटअप करेंगे ये कोई भी FRP नहीं मांगेगा, समझ गए ना आप। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।